गाइस, पिछले क्वेश्चन में जो पैराग्राफ में तीन क्वेश्चन था उसका थर्ड पार्ट हमारा ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 78 इसमें बोला है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट पी। पॉइंट पी पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, तो हमें इक्वेशन पता होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, लाइन होता है, लाइन का इक्वेशन कितना होता है, बोले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये अपने पास होगा, कितना हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन जहाँ पे, और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ना, पॉइंट ऑफ पी ओ सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब ये वाई माइनस वाई वन, ठीक है, तो ये हमारा जब कर्व, देखिए कर्व गाइस, देखो कर्व, कर्व हमारा जब वाई एक्सिस कट करेगा ना, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम, ये एम इंटू की पावर एम एक्स, वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, देखो गाइज हमारे तब क्या होगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम ई की पावर जीरो हो जाएगा गाइज, तो वाई, और ये कितना होगा एम इंटू वन, तो वाई की वैल्यू गाइज हमारे पास कितनी आ गई, एम, मान मतलब गाइज हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया वो कितना आ गया, जीरो कॉमा एम। तो अब यहाँ पे प्लग कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा एम, स्लोप हमने निकाला है गाइज पिछले क्वेश्चन से, एम स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन गाइज हमारे पास कितना है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास होगा y माइनस एम होगा एम स्क्वायर एक्स, तो इस तरह से आप गाइज जब मैच करोगे ऑप्शन तो होगा एम स्क्वायर एक्स प्लस एम, तो विच वन, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट गाइज, देखो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, देखो y इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस एम, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट गाइज़।